ममता बनर्जी 50,000 वोटों से जीतने का दावा कर रही हैं। बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिबरीवाल से कड़ी टक्कर मिली है। 5 महीने पहले भी टीएमसी ने भवानीपुर सीट को जीता था। ममता के लिए विधायक शोभन देव ने अपनी सीट को छोड़ दिया था। नंदीग्राम से हार के बाद ममता ने भवानीपुर से चुनाव लड़ा और भवानीपुर से अब वो दावा कर रही हैं कि 50,000 वोटों से यहां पर चुनाव जीतेंगी। क्या होगा नहीं होगा, 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद धीरे धीरे सामने नतीजे आने लगेंगे और हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव है। खास क्यों है भवानीपुर सीट, एक बार फिर हम आपको बताते हैं। दरअसल भवानीपुर की अगर बात की जाए तो भवानीपुर, जंगीपुर, शमशेरगंज में इस बार उपचुनाव है। ये 3 सीटों पर उपचुनाव है और ममता बनर्जी जो कि सीएम पद की आपके साथ सीएम पद पे उस वक्त हैं, वो खुद यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण है, अप्रैल 2021 विधानसभा चुनाव यहां से टीएमसी जीती थी, शोभन देव यहां से जीते थे और शोभन देव चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने 29,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी जब नंदीग्राम से हारती हैं तो वो यहां से ये सीट खाली कर देते हैं। शोभन ने खाली करने के बाद अब भवानीपुर में कुल 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनावी दंगल में हैं। बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिबरीवाल को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस ने भवानीपुर में अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। अप्रैल चुनाव में कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि सीपीएम ने श्रीजीव विश्वास को अपना यहां पर उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर यह खास अपने आप में इस बार का चुनाव। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाए, यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी, किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा, ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।